सिकरा अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग तो क्या बताऊँ आप लोग से, दिवाली की सफाई और दिवाली की शॉपिंग और दिवाली का काम से तो मैं परेशान हो गई हूँ। इतना काम पड़ रहा है, साथ में काम वाली है फिर भी इतना सारा काम पड़ रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोग से। आजकल वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ, एक भी वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि सफाई और ये सबका मैं बिल्कुल नहीं बनाई हूँ, क्योंकि चेहरा और ये बाल इतना गंदा लगता है ना, पूरा उड़ उड़ के वो सफ़ेद और नीला पीला जैसे दिखता है ना, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है आप लोग के सामने आने के लिए। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए। और मैं अभी अपना घर भी थोड़ा सा अगर दिखाना चाहूँगी तो थोड़ा सा दिखाऊँगी, क्योंकि आज है धनतेरस और धनतेरस की आप सबको दिल से मेरे तरफ से हैप्पी धनतेरस दिवस आप लोग भी मनाइए। और आप लोग भी क्या खरीद के लाए हो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं भी आप लोग को ज़रूर बताऊंगी कि मैं आज क्या मंगाऊंगी। अभी तो हम गई नहीं हूँ, लेकिन वो हो सकता है कि वो लेकर आए, क्योंकि मैं ही सुबह बोली थी कि मैं काम से परेशान हो गई हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगी मार्केट, मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग को ना इतना अच्छा एक रेसिपी दूंगी ना कि जो कि आप लोग दिवाली पे ज़रूर ही बनाइएगा, दिवाली का समय का ही है तो इसलिए आप लोग ज़रूर उस रेसिपी को बनाइएगा। और चलिए तब फिर देखते हैं, रेसिपी पहले देख लीजिए, उसके बाद से अगर देखूँगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं धनतेरस में क्या ख़रीदी थी। और बहुत ही काम के चक्कर में मैं खा पी को और हेल्दी हो गई हूँ उसके चक्कर में। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर आप लोग कमेंट करके मेरे को बताइएगा। और मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ अगर रेसिपी कैसा बना है। और दिवाली में तो वो बनना ही बनना है, तो उसको मैं आप लोग को सरप्राइज नहीं रखूँगी कि मैं क्या बनाऊँगी क्या नहीं। एकदम प्याज का एकदम देसी तरीका से मैं बनाई हूँ, जो कि प्याज पकौड़ा वो लो आप लोग दिवाली में ज़रूर बनता है, सबके यहाँ बनता होगा मेरे ख्याल से, तो आप ज़रूर दिवाली में बनाइए और उसको खाइए। और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका रेसिपी कैसा लगा। और चलिए अब सीधे आपको रेसिपी दिखाती हूँ, देखती हूँ कैसे वीडियो और कुछ बना रही हूँ कि नहीं। लेकिन मैं दो दिन पहले ही उस रेसिपी को बनाई थी, लेकिन मेरे को एकदम डालने को मन नहीं कर रहा था और शूटिंग करने को मन नहीं कर रहा था, क्योंकि काम 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 काम, तो थोड़ा सा टाइम मिल रहा था तो मैं आराम कर ले रही थी। तो चलिए सीधे पकौड़ा खाते हैं, उसके बाद से मिलते हैं। तो आज देखिए मैं प्याज का पकौड़ा बना रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं बना रही हूँ, जिसमें मैं प्याज 5-6 काट ली हूँ और इसमें 4-5 में मिर्ची, हरा मिर्च काट ली हूँ। ये जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, जो कि अदरक और लहसुन का इसमें मैं पेस्ट डाल दी हूँ। ये वाला है जो कि मैं मंगाई हूँ, जैसे कि थोड़ा बहुत पीसना रहता है तो नहीं पीस पाती हूँ, तो इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे करके इसमें डाल दी हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा मैं जीरा को डालूँगी इसमें, एकदम थोड़ा सा ही। और इसमें मैं थोड़ा सा और अजवाइन को ऐड करूँगी, जो कि मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्रश कर ले रही हूँ। तो इसको अजवाइन को इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच, थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ, दोनों को आधा आधा चम्मच ही डालना है। और उसके बाद से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मैं थोड़ा सा ग्रीन डाली हूँ ना, हरा मिर्च डाली हूँ, तो बस आधा चम्मच इसमें रेड लाल पाउडर डालूँगी, मिर्ची की लाल पाउडर। और ये धनिया जो कि हल्दी है, तो इसको एक चम्मच डाल लेंगे क्योंकि ये कलर आएगा इससे। और इसमें ये क्या कहते हैं धनिया पाउडर, इसको एक चम्मच बस। और इसमें हो गया, इसमें जो मसाला है ये हो गया। उसके बाद से आपको नमक को ऐड कर लेना है, स्वाद के अनुसार आपको, कि आपको कितना नमक लगेगा। मैं तो अपने अनुसार डाल रही हूँ, जो कि एक चम्मच ही मेरे ख्याल से मेरे में लगेगा, क्योंकि 4-5 प्याज है तो इसमें कोई ये नहीं।
और ये देखिए मैं आधा कटोरी चावल का आटा ली हूँ जो कि इससे बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी होता है, तो इसलिए मैं इसको आधा कटोरी इसमें ये ली हूँ, थोड़ा थोड़ा करके सानूंगी इसमें। और एक कटोरी उसी कटोरी से मैं बेसन को ले ली हूँ जो कि इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें सब कुछ मैं डालती हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा करके मेरे को डालना है अब इसको। और इतना ये टेस्टी होता है ना कि आप जब कोई माने ये रहे तो आप बनाओ। पहले आपको ऐसे ही आपको माने हाथ से इसको अच्छे से मैश कर लेना है, उसके बाद ही आपको पानी डालना है। तो ये देखिए मैं इतना इसको कर ले, इसको भी पूरा मैं ही डाल ले रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा इसको भी रखी थी इसको भी डाल ले रही हूँ, क्योंकि अब मिक्स करके इसमें हल्का हल्का मैं पानी डालूँगी। तो ये देखिए इतना टेस्टी और इतना लाजवाब होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं दोपहर में दाल चावल के साथ मैं इसको बना रही हूँ, तो मैं सोची कि अब ठंडी का मौसम आ रहा है, जाड़ा का मौसम आ रहा है, तो आप लोग भी बनाओ। मेरे यहाँ हल्का हल्का बारिश का मौसम, पूरा एकदम धूप नहीं हुआ है, तो मैं सोची कि यार दाल चावल पे सब्जी सूबे वाला है, तो मैं सोची कि ये थोड़ा सा मैंने मैं पकौड़ा छान देती हूँ जो कि सब लोग खा लेंगे। और इसको पानी ना एक ही बार आपको ये कटोरी नहीं डाल देना है, इसको आराम से थोड़ा थोड़ा करके और आपको डालना है। तो ये देखिए बस आधा कटोरी पानी लगा है, एक कटोरी अपने जैसे घर में दाल उल देते हैं ना उसी से मैं ये कटोरी पानी ली थी, जिसमें आधा कटोरी ही हो से ही हो गया मेरे। ये देखिए आइए एक बार आप कभी मत डालिएगा, नहीं तो क्या होता है प्याज ना जब नमक के साथ में ऐड करते हैं ना तो वो क्या होता है कि पानी छोड़ता है, तो जब पानी छोड़ेगा ना तो गीला होगा ही होगा, तो इसलिए पहले आप तो पहले प्याज को ही बेसन में अच्छे तरह से उसको मैश करो, उसके बाद से जब देखो पानी का मैंने यूज करना है तो लगेगा ही, थोड़ा बहुत लगेगा। तो मैं अब चल रही हूँ, बिल्कुल रेडी है बनाने के लिए। अगर आप इस प्रकार से बनाओगे ना तो सब लोग खाएंगे और पूछेंगे कि आप नए तरीके से बनाए हो क्या। तो ये देखिए मैं इसमें ऑयल को डाल दी हूँ, इसको ना एकदम खूब गरम करके एकदम खूब हाई फ्लेम पे आपको नहीं पकाना है। पहली बात तो ये है कि हाई फ्लेम को पे नहीं एकदम पकाना है, क्योंकि वो ना जल जाता है तो वो अंदर का पका नहीं रहता है। तो आप पूरा तेल अच्छे से गरम कर लो, उसके बाद से मीडियम आप कर दो। अब मीडियम पर ही आप पकौड़ा बनाओ और उसको खा के देखो, और फिर हाई फ्लेम कर लो और उसके बाद से आप उसको खा के देखो। तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना दोनों प्रकार का, आप तल लेना पहले उसके बाद से आप बताना कि हाँ आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। अब कोई भी साग सब्जी या कोई चीज़ बनाओ तो वो क्या होता है कि जो आप मीडियम पे बना के और खाओगे ना तो क्या मैं उसमें मज़ा जितना आता है, टेस्टी आता है, उतना आपको तेज आँच वाला नहीं लगता है। तो देखिए मेरा पूरा तेल हो गया है, ऑयल मेरा गरम हो गया है, तो मैं इसको कर रही हूँ मीडियम, और इसके बाद से ये मेरा पकौड़ा है रेडी। तो देखिए आज मेरे प्रकार, और आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। मैं तो बार बार बोलती हूँ कि आप लोग एक बार मेरे, मैं जैसे बनाती हूँ जैसे कि यूपी बिहार स्टाइल, जैसे हमारे घर हमारे, तो मैं हम लोग तो कहीं सीखे भी नहीं हैं, नहीं कहीं गए हैं या फिर कहीं किसी से कुकिंग सीखे हैं, हम लोग अपने घर में ही मम्मी दादी दीदी, फिर यहाँ ससुराल में आए तो सास देवरानी जेठानी, सबसे कुछ ना कुछ एक नया सीखने को मिलता है, वही मैं आप लोगों के पास लेके आती हूँ, जो कि ये ना थोड़ा हटके ही होता है, जो कि हाथ हाथ के ऊपर भी रहता है, किसी के हाथ से एक ही चीज़ आप लोग दो तीन आदमी मिल के बनाए ना वो अलग हो ही जाता है। तो हमारे यहाँ तो हमारा खाने के बहुत तारीफ होता है, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग को भी शेयर कर दूँ कि कहीं आप लोग भी बनाओ और मेरे जैसे हो, तो किसी के यहाँ खाना अच्छा बने तो बहुत अच्छा बात है। और खाना कभी भी अच्छा ही बनाना चाहिए, क्योंकि खाने वाला चीज़ ना जितने प्यार से आप बनाओगे ना
उतना ही अच्छा होता है। ये देखिए मैं पूरा उसमें डाल लिया, अभी तक मेरा जलने का कोई मैंने ये नहीं है क्योंकि मीडियम आँच है। मैं आराम से उसमें डालूंगी और आराम से मैं पलटूंगी, इसमें कोई उसमें जल्दीबाजी नहीं है। तो मैं सोची कि आज ना आप लोग से शेयर कर ही देती हूँ क्योंकि कि आप लोग भी ऐसे बना सको। तो ये देखिए, इसका देखिए एक ऐसे कलर हुआ है, अभी लाल हुआ है, अभी पका नहीं है, लेकिन ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ये पक ही गया है। ये देखिए मैं ना इसी तरह मैं बनाती हूँ। थोड़ा सा खाना में आप जल्दीबाजी करोगे ना तो क्या होता है, खाना बिगड़ जाता है। अगर आपको कभी कभी बनाना है तो दिल से बनाओ, थोड़ा आराम से बनाओ, नहीं तो रोज तो हड़बड़ रहती है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो तो फटाफट करना रहता है। लेकिन जिस दिन रिलैक्स मूड से बनाओ तो उस दिन तो बना के खिला ही दो। अगर गरम गरम किसी को देना हो तो तुरंत ले जाइए और सर्व करिए। तो ये देखिए मेरा थाली हो गया है रेडी, मैं ले जा रही हूँ खाना देने के लिए। ये भजिया, ये आलू और चना की सब्जी है, और ये दाल है क्योंकि दोपहर का ही खाना मैं बनाई हूँ, और ये चावल है। तो आप भी बनाइए और खाइए, और ज़रूर मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आप भजिया बनाए पकौड़ी बनाए तो वो कैसा लगा। वो इसी के साथ, इसी रेसिपी के साथ आप लोग के से मैं बोलती हूँ हाय हाय बाय बाय। और आप लोग जो भी खरीद के लाइएगा ज़रूर कमेंट करके मेरे को बताइए कि मेरे घर ये आया था, मेरे घर ये आया था। मैं भी अपने दूसरी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्या क्या मंगाई थी धनतेरस के दिन। और आप लोगों को अगर पकौड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मेरे को ज़रूर ही बताइएगा। इसी के साथ साथ बाय।